हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन योगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यंग और सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन के बारे में, के बायोग्राफी के बारे में फुल वीडियो लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि माननीय सफीन हसन कितने साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बने, इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके भाई का नाम क्या है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उम्र कितनी है इनकी, इनकी नागरिकता क्या है, लंबाई क्या है इनकी, धर्म, जाति, इनकी राशि क्या है, आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आईपीएस सफीन हसन का जन्म 21 जुलाई सन 1995 को पालनपुर गुजरात में हुआ। इन्होंने स्कूली शिक्षा SKM हाई स्कूल कानूदर गुजरात में की और फ्रेंड्स, इन्होंने कॉलेज की शिक्षा सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात से की। इनके पास BTech थी दोस्तों। सफीन हसन भारत के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर हैं। वह 22 वर्ष की उम्र में यानी कि सन 2018 में आईपीएस अधिकारी बने। इन्होंने ज़िंदगी में सफल होने के लिए मेहनत और संघर्ष किया था। इनको अधिक समस्या और बुरे स्वास्थ्य से लड़ना पड़ा था। इनके माता पिता घर चलाने के लिए हीरा काटने वाली कंपनी में कार्य करते थे। फ्रेंड्स, अब मैं इनके माता पिता का नाम और भाई का नाम बताता हूँ। इनके माता का नाम नसीम बानू था और इनके पिता का नाम मुस्तफ़ा हसन था। इनके भाई का नाम असनैन था। इनका जन्म 21 जुलाई 1995 को पालनपुर गुजरात में हुआ। इनकी वर्तमान में इनकी उम्र 27 साल है। इनकी नागरिकता भारतीय है। इनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच है। धर्म इस्लाम है। जाति जुलाया है दोस्तों। राशि कर्क है। आंखों का रंग काला है। बालों का रंग काला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 570 थी। तो दोस्तों, इन्होंने लगातार मेहनत की। कहते हैं ना कि मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊंचा तेरा नाम होगा। दोस्तों, इसी प्रकार इन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने UPSC में टॉप किया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।